जयपुर के गनगौरी हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट में आज देर शाम आग लग गई। मौके पर मौजूद स्टाफ ने तुरंत बिजली सप्लाई बंद करके आग पर कंट्रोल किया। इस दौरान एहतियात तौर पर नगर निगम की फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई, लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी। गमनीयत यह रही कि इस हादसे में न तो कोई जनहानि हुई और न ही ऑक्सीजन प्लांट में बड़ा नुकसान हुआ। इधर आग की सूचना मिलने पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एल हर्षवर्धन ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर बदलते समय अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और वहां आग लग गई। इस दौरान वहां मौजूद स्टाफ के सदस्यों ने प्लांट की बिजली काट दी और वहां से फायर फाइटिंग उपकरणों की से तुरंत आग को बुझा दिया। इसके बाद ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई को चालू कर दिया। उन्होंने बताया कि आग से प्लांट में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, न ही किसी मरीज को कोई समस्या आई। आग के बाद प्लांट में कुछ तकनीकी खामियां आई, उसे हाथों हाथ मौके पर ठीक करवाकर प्लांट को वापस चालू करवा दिया।